तो आज 6 फरवरी है और हम लोग अपने पड़ाव पे राजपूत रेजिमेंटल सेंटर में खड़े हुए हैं और आज के दिन मैं जाऊंगा नायक जदुनाथ सिंह जी की जन्मभूमि जो कि खजूरी गांव में है, जो कि फतेहगढ़ से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हमारे लिए भी सौभाग्य का दिन है कि मैं इस शौर्य भारत यात्रा के अंतर्गत आज यहां पर पहुंच पाया हूं। तो आज मैं हूं खजूरी गांव में, नायक जदुनाथ सिंह की वो पावन धरती जहां पर उन्होंने जन्म लिया। यहां पर हर व्यक्ति देशभक्ति से उत्प्रोत है, यहां पर हर व्यक्ति के मन के अंदर है कि वो देश के लिए कुछ कर गुजरे। यहां के लोगों का जो जज्बा है वो देखने लायक है। नायक जदुनाथ सिंह जी का स्मारक है ये यहां पर, ये जहां पर हर वर्ष 6 फरवरी को राजपूत रेजिमेंटल सेंटर से यहां कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां पर हम रीत ले करते हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा नायक जदुनाथ सिंह जी की शौर्य गाथा, जिसके अंतर्गत मैं आपको मुखातिब करूंगा एक अदम्य साहस की वीर गाथा से, एक अद्भुत साहस की वीर गाथा से। कैसे एक व्यक्ति ने अपने सेक्शन को लेकर दुश्मन के 3-3 अटैक को विफल कर दिया। अगर मैं नायक जदुनाथ सिंह की बात करूं, सन 1916 में उनका जन्म हुआ और इस गांव में वो पले बड़े। उन्होंने इस गांव में पढ़ाई करी, बचपन से बड़े ही सौम्य स्वभाव के, निडर और साथ ही साथ बेहतरीन कुश्ती के खिलाड़ी भी थे। वो बेहतरीन एक नायक थे, बेहतरीन सेक्शन कमांडर थे, जहां पर वे हमेशा ध्यान रखते थे कि जो उनके साथी हैं उनका हौसला हमेशा बुलंद रहे, उनके जो साथी हैं वो हमेशा ट्रेनिंग में बेहतरीन करें। इस प्रकार से नायक जदुनाथ सिंह का जो अपने साथियों के प्रति व्यवहार था वो बेहतरीन था। अब मैं आपको नायक जदुनाथ सिंह की जो शौर्य गाथा है वो मैं आपको लेकर चलूंगा उनके घर में, और मैं उस कमरे से आपको शौर्य गाथा सुनाऊंगा जहां पर उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि वो कमरा साक्षी है उस धन्य से नायक जदुनाथ सिंह का, जो कि आगे चल के इस देश का परमवीर चक्र से सम्मानित महान योद्धा बना। तो चलिए हम चलते हैं नायक जदुनाथ सिंह जी के घर में। तो साथियों, मैं आ चुका हूं नायक जदुनाथ सिंह जी की जन्मभूमि, वो पावन धरा जहां पर उनका जन्म हुआ था, और मेरे साथ उनके परिवार के सदस्य भी हैं। तो हाँ, आप बताइए दाऊ के बारे में। दाऊ जी मेरे बचपन से ब्रह्मचारी थे और दाऊ जी हमारे पूजा पाठ में बहुत संलग्न रहते थे। दाऊ जी में महाबली बजरंग बली वो ताकत थी, जिससे वो पाकिस्तान नौशेरा चौकी पर अकेले ही दाऊ जी ने युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। ऐसे दाऊ जी नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र मेरे दाऊ जी लगते थे। नायक जदुनाथ सिंह जी हनुमान जी के परम भक्त थे और वो इस गांव में कुश्ती के हीरो थे। हाँ। जो उनके मुगदर थे जो वो उठाते थे, और दोनों मुगदरों को हाथ से उठाकर वो अपनी कसरत करते थे, वो मुगदर दो दो लोग मिलकर भी नहीं उठा पाते, तो इतने बलिष्ठ थे, उनकी भुजाओं में ये दम था। और इसी दम से उन्होंने सन 1948 के अंदर 6 फरवरी को पाकिस्तानियों को नाको चने चबवाए। बढ़िया आदमी थे, ताकतवर थे और किसी से डरते नहीं थे, लेकिन उनके साथ आज गवर्नमेंट ने, किसी ने उनके साथ कुछ भी नहीं करा। उनकी जन्मभूमि पे आके जो आता है वो यहाँ से देख के फोटो कॉपी लेके चला जाता है। ये एक बहुत ही जीवन कंसर्न है हम सभी के लिए। मैं हमेशा से ये कहता हूं कि एक सैनिक दुश्मन की गोली से नहीं मरता, एक सैनिक उस गोली से नहीं मरता जो उसकी छाती में लग जाती है, एक सैनिक उस गोली से नहीं मरता जो उसके सिर में लग जाती है। सैनिक मरता तब है या सैनिक शहीद तब होता है जब ये राष्ट्र उसको भूल जाता है। नायक जदुनाथ सिंह एक महान योद्धा, सन 1941 में वो फर्स्ट राजपूत में आए, जो कि बाद में फोर गार्ड्स हुई, मैकेनाइज्ड हुई। सन 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, प्रिंसली स्टेट्स का एकीकरण हुआ, जम्मू कश्मीर ने महाराजा हरि सिंह ने अपनी आवाम पे डिसीजन छोड़ा, और बाद में जब उन पे अटैक हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिप्लोमेसी से जम्मू कश्मीर को इंडिया पे मिलाया गया और हमारी फोर्सेस जो थी वो जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए वहां पर पहुंची।
मैं आपको बड़गाम के युद्ध के बारे में दास्ता सुना चुका हूं, मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में। अब मैं बात करूंगा नौशेरा सेक्टर की, तंधार की, जहां पर नायक जदुनाथ सिंह ने 6 फरवरी 1948 को एक भीषण युद्ध को लड़ा और अपनी एक सेक्शन के साथ उस युद्ध के अंदर दुश्मन को खदेड़ दिया। नायक जदुनाथ सिंह तंधार में पिकेट नंबर 2 पे अपने अन्य 9 साथियों के साथ थे। वे वहां पर उस पोस्ट को संभाले हुए थे, उस पिकेट को संभाले हुए थे। वहां पर दुश्मन का जो सामना था वो उनका कभी भी हो सकता था और दुश्मन इस हिमाकत में था कि वो कैसे इस पोस्ट पर कब्जा करे और वहां से फिर वो आगे बढ़ के नौशेरा सेक्टर के अंदर अन्य इंपॉर्टेंट हाइट्स पर वो कब्जा करे। पर दुश्मन इस बात से बेखबर था कि यदि वो कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो उनका सामना होगा दाऊ से, उनका सामना होगा उस वीर योद्धा से जो जिसके उठाए गए मुद्गर दो दो लोग उठा नहीं पाते हैं, उनका सामना होगा उस वीर योद्धा से जो सुबह 4 बजे उठ के गंगा को तैर कर अपनी वर्जिश कर दंगल में अपनी मेहनत करता था। नायक जदुनाथ सिंह एक बेहतरीन फौजी, एक बेहतरीन सिपाही और एक बेहतरीन सेक्शन कमांडर थे। अपने सेक्शन के साथ उन्होंने उस पिकेट के ऊपर अपने सेक्शन को हमेशा मुस्तैद रखा कि यदि दुश्मन का कोई अटैक आ जाए तो हमें किस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देना है। 6 फरवरी 1948 को दुश्मन ने तंधार में नायक जदुनाथ सिंह जी की पोस्ट पर अटैक किया और नायक जदुनाथ सिंह की पूरी टुकड़ी ने बहुत बहादुरी से उस अटैक को विफल कर दिया। नायक जदुनाथ, यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि वे 10 लोग और जब उन पर अटैक आया तो एक पूरी कंपनी का अटैक आया जो कि 100 से अधिक लोग थे और 10 लोगों ने 100 से अधिक लोगों की नफरी को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका फ्रंटल अटैक को फेल कर दिया। दुश्मन ने वापस अपनी हिम्मत को बटोरा, वापस अपने संसाधनों को समेटा और दोबारा नायक जदुनाथ सिंह जी की पोस्ट पर उन्होंने अटैक किया। अटैक भीषण था और भीषण था, उससे पहले बहुत ज्यादा फायर उनकी पिकेट पे आया और जब सेकेंड अटैक जब हुआ तो नायक जदुनाथ सिंह के जो साथी थे वे सभी शहीद हो गए। नायक जदुनाथ सिंह अपनी पिकेट पे, अपनी पोस्ट पे अकेले बचे और उन्होंने अकेले भी हिम्मत नहीं आ रही और फर्स्ट 2 अटैक जो उन्होंने 9 लोगों के साथ विफल किया वो काबिले तारीफ है। एक योद्धा, एक कुशल नेतृत्व वाला व्यक्ति, एक सौम्य स्वभाव का व्यक्ति, एक निर्भीक व्यक्ति किस प्रकार से अपने 9 लोगों के साथ, अपने 9 जवानों के साथ 2-2 अटैक को विफल करता है, ये इतिहास है अपने आप में। ये साधारण बिल्कुल नहीं है, ये अद्भुत वीरता की दास्ता है जो कि नायक जदुनाथ सिंह ने 6 फरवरी 1948 को विषम परिस्थितियों के अंदर, मौसम भी विकट था, हाइट्स ऊंचाइयां थी, रिइंफोर्समेंट नहीं था, आपके पास एम्युनेशन नहीं था और उस विषम परिस्थिति के अंदर आप वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे अपनी देश की अखंडता को बचाने के लिए, अपनी देश की प्रभुता को बचाने के लिए। आपके दिल में केवल एक ही जज्बा था कि मेरे देश की जमीन पर दुश्मन के पैर नहीं पड़ने चाहिए, यदि कोई भी मेरे जमीन पर नापाक इरादों से यदि कोई हिमाकत करेगा तो उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और इसी जज्बे के साथ नायक जदुनाथ सिंह और उनका सेक्शन लड़ाई कर रहा था। 2 अटैक्स के बाद उनके सेक्शन के तमाम अन्य जवान शहीद हो चुके थे और नायक जदुनाथ सिंह अकेले बचे अपनी पोस्ट पर हिम्मत नहीं हारी। वो व्यक्ति साक्षात एक भक्त था हनुमान जी का, उसके अंदर वो जज्बा था, वो वीरता थी, उसकी भुजाओं में वो दम था, उसके मन में वो दृढ़ निश्चय था कि उसने ये भी सोच लिया था कि मैं अकेला ही इस दुश्मन के लिए काफी हूं। दुश्मन ने फिर एक बार हिमाकत करी और एक तीसरा अटैक दोबारा नायक जदुनाथ सिंह जी की पोस्ट पर किया और नायक जदुनाथ सिंह भी एक वीर बहादुर की तरह अपने बंकर से बाहर निकले और सिंगल हैंडेडली उन्होंने दुश्मन का सामना करना शुरू किया, अपनी स्टेन गन से दुश्मन को मारना शुरू किया और गुत्थम गुत्था की लड़ाई उन्होंने करनी शुरू कर दी और दुश्मन के भी पैर उखड़ने लग गए। दुश्मन सरप्राइज हो गया, उसको शौक लगा कि एक आदमी किस प्रकार से इस बहादुरी से लड़ सकता है, एक आदमी किस प्रकार से 100 का मुकाबला कर सकता है। जब नायक जदुनाथ सिंह इस
युद्ध में एक वीरता को दर्शा रहे थे, तांडव कर रहे थे और मौत के घाट उतार रहे थे दुश्मन को। एक गोली उनकी सीने में लगी और एक गोली उनके सर में लगी और नायक जदुनाथ सिंह उसके बावजूद भी वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। आगे बढ़ते रहे। आज 6 फरवरी 1948 को मैं नायक जदुनाथ सिंह को तहे दिल से नमन करता हूं। आज मैं ये समझता हूं कि इस देश का हर व्यक्ति नायक जदुनाथ सिंह के सर्वस्व बलिदान को कभी ना भूले। आज इस देश को जरूरत है कि हम अपने पूर्वजों को याद रखें। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वीरों को यदि हमें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनको अपने जहन में अपनी आत्मा से याद करना होगा। हमें उनसे सीख लेनी होगी कि किस विकट परिस्थिति में भी हम किसी भी चीज का सामना करके उसको अपने हक में कर सकते हैं। वो युद्ध जो कि कोई भी बोल सकता है, कि यहां एक तरफ 9 लोग 10 लोग, दूसरी तरफ 200-300 लोग, ये तो हार ही जाएंगे। नायक जदुनाथ सिंह जी की बहादुरी ने उस युद्ध को बदल दिया, उस युद्ध का परिणाम बदल दिया, उस हार को जीत में बदल दिया। नंबर 27373 नायक जदुनाथ सिंह जी की वीरता के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया और ये हम सभी के लिए, खजूरी गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं आज नायक जदुनाथ सिंह जी के, और यहां पर सभी लोग प्यार से दाऊ जी कहते हैं, मैं दाऊ जी के गांव से, उनकी जन्मभूमि से इस शौर्य गाथा को सुनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और मैं यहां के आंगन की मिट्टी को ले जाकर, जो हमारी मुहिम है शौर्य भारत यात्रा की, हम एक शहीद स्मारक जोधपुर में बनाएंगे और मैं शहीदों के परिवार से जुड़े हुए मुद्दे भी उठाता रहूंगा। नायक जदुनाथ सिंह जी को मेरी ओर से, समस्त शौर्य भारत टीम की ओर से बहुत बहुत नमन, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत उनके प्रति सम्मान। हम सभी उनको याद रखें, उनके अद्भुत कृत्य को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, उनकी निष्ठा को अपने जीवन में उतारें और उसी राह पे चलें जो कि नायक जदुनाथ सिंह जी ने देशभक्ति की राह हमको दिखाई। जय हिंद, जय हिंद।